संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसी कड़ी में प्रयागराज के करेली तिरंगा चौराहे पर बेकरी शॉप का उद्घाटन करने पहुंची पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। आइए सुनते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। ये छोटा केक बेक पेस्ट्री शॉप का उद्घाटन हुआ है और सबसे बड़ी बात है इस करेली क्षेत्र में जहाँ पर ये खुला हुआ है वहाँ आसपास ऐसी कोई शॉप नहीं है और लोगों को बहुत सुविधाजनक होती है क्योंकि लोग जो करेली वाले लोग हैं उनको बहुत दूर सिविल लाइन्स एरिया में जाना पड़ता है केक वगैरह बनवाने के लिए, तो उस एरिया में इतना दूर ना जाके अपने घर के आसपास ही मिल जाए और बहुत ही हाइजीन तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और बच्चे हैं, खासकर यूथ है जो वो आगे बढ़ रहा है, जो कृष्णा है अभी बहुत कम उम्र का बच्चा है, 20 साल की उसकी उम्र है और उसने और उसकी सिस्टर ने मिलकर यहाँ पर ये काम शुरू किया है। तो मुझे लगता है जब बच्चे उद्योग की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने खुद के पैर पर खड़े होते हैं वो सबसे बड़ी जीत होती है हम सबके लिए कि हमारा यूथ बहुत आगे बढ़ रहा है और समाज को एक नया आयाम देने का काम कर रहा है। और खासकर खाने पीने की चीज़ में जब से कोविड हुआ है लोग बहुत सेफ्टी के साथ खाना पीना खाते हैं, तो हाइजीन का जिस तरह से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चे जिस तरह साफ सफाई से कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ कंपनी के भी मिल रहे हैं, तो सब चीज़ एक जगह पे मिल जाने से भी बहुत सहूलियत होती है। तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ इन बच्चों को कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और समाज में बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बच्चे उन्हें देखकर बहुत कुछ सीखने का काम करते हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं कृष्णा जी को। जैसा कि आपने सुना, प्रयागराज की पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने सरकार द्वारा लिए गए महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की योजनाएं धरातल पर नजर आती हैं। अब आइए सुनते हैं बेकरी शॉप के ओनर ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। हमारी करेली में इस बेकरी का उद्घाटन हमारी पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी ने किया है और उनको हम लोगों ने यहाँ पर बनी हुई चीजें टेस्ट भी कराई और उन्होंने इस चीज को देखा और समझा कि कैसी क्वालिटी है। सारा आइटम यहाँ पर खुद की बेकरी में बन रहा है, ऐसा इस इलाके में पहली बार हो रहा है कि कहीं पर खुद की बेकरी का आइटम बन रहा, सारा आइटम शुद्ध शाकाहारी तरीके से बन रहा है। और यहाँ के जो लोग अंडे से दूर भागते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा अंडे से प्रॉब्लम है, वो लोग भी यहाँ पर आके जो है इस बेकरी से सामान अपना ले सकते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, पनीर रोल, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बन रही हैं। अभी आगे आने वाले वक्त में हम लोग यहाँ पर डोसा और बाकी और चीज़ों की भी प्रिपरेशन करेंगे वक्त इस यहाँ पर दुकानदारी को देखते हुए कि किस तरीके से यहाँ का रुझान है लोगों का, उस रुझान को देखते हुए हम और भी चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से आने के लिए? हम तो लोगों से यही चाहेंगे कि एक बार आइए और हमारे यहाँ का आइटम खा के देखिए, अगर पसंद आए तो दोबारा आइए और दूसरों को भी लेके आइए। परिचय दे दीजिए अपना। मैं ऋषि सेठी हूँ, मेरे मित्र की ये दुकान है और बहुत ही परम मित्र है हमारे, उनकी ये दुकान है, इसका उद्घाटन आज। आपको बता दें ऋषि, आयरा, मनोज, संदीप, शाहू, पायल, बलदेव, कृष्णा, मेघना, सिंपी, संजय, अनिल जायसवाल, रेखा, आरजू आदि लोग इस उद्घाटन में शामिल रहे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।